अस्सलाम वालेकुम संगियो तबेलियो, की हाल चाल है? ठीक हो? आज का एक नवा व्लॉग लैके हाजिर हो तुहाडे नाल। फिर एक बार्डर का व्लॉग है, तो ये भी बार्डर जिहड़ा है वे साढ़े पिंड दे नाल एक पिंड है जेडवां वाली बस्ती, उत्थे असीं आए हैं। इत्थे बहुत ही कच्चे मकान भी है ने, इत्थों बार्डर भी बिल्कुल नज़दीक है वे। आ एक कच्चा डेरा खड़ा सी, मैं क्या तुहानू ये विखा दईए। असी जी इस टाइम मौजूद हाँ बिल्कुल सादकिया नहर के उत्ते, तो यह घर भी जिहड़ा है सादकिया नहर के उत्ते बिल्कुल मौजूद है। अच्छा जी, मेरे दोस्त ने परमिशन ले ली, तो हूँ तुम्हें लैके चलना मैं उस घर च, तो तुम्हें विखाना जी उस घर का माहौल। बिल्कुल जी कच्चा घर है सारा, कच्चा उतों का किचन बना हुआ है वे, तो बिल्कुल ये घर जिहड़ा है बिल्कुल बार्डर के उपर है वे, तो बड़ा ही देसी माहौल इन्हें बनाया है। माल डंगर भी रखे हुए ने अपने, तो चल के तुम्हें मैं सारा इन्हों का जिहड़ा है घर वो सारा विखाना, तो मेरे नाल वीडियो तुसी पूरी वेखो, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो फिर तुम असं लैके चलोंगे बार्डर के नाल, तुम बार्डर भी विखावे अज इंशाल्लाह। अच्छा जी, आ सामने बिल्कुल तुसी वेखो जी, आ चार पहियां पहियां ने, और सामने हुक्का भी पिया है, तो आ पखा वगैरह रखते ने, गर्मियों से बाहर सौंदे ने क्योंकि ठंडी हवा चलती है। खेतों के नाल ही बिल्कुल इन्हों का घर है, तो खेतों तो पर बार्डर है वे इंडिया का। हाँ सामने तुसी वेखो जी कच्चा किचन बना है वे, ये तुहानू मैं विखाना अगे जाके। हाँ वेखो जी चूल्हा वगैरह लगे हुआ इत्थे, इट्टां नाल बड़ा जबरदस्त बनाया, तो आ जी अंदर बना हुआ इन्हू सदन गई गई दे विच घड़ा वगैरह रखा हुआ सी, तो आ चूल्हा वेखो जी। सुबह नाश्ता वगैरह इन्होंने कर लिया, असी पहुंचा लेट, अंदर देगड़ा वगैरह पिया, गड़े च पानी भर के रखा हुंदा इन्होंने ताकि पानी ठंडा रहे। आ पिया जी टोकरा, इन्हें थले मुर्गियां वगैरह डकदे ने, तो बर्तन वगैरह रख देंगे ने ताकि मिट्टी वगैरह उन्होंने ना आए। तो आखो जी बहुत ही जबरदस्त निज़ाम बना भाई ने, कच्चा घर है। तो आ भाई जा रहा जी पानी लैन नलके तो, आ नलका लग गया सामने जी, नलके तो बहुत ही ठंडा पानी होंगे जबरदस्त, क्योंकि नहर के नाल बोर किया बिल्कुल। आ रेड़ा खड़ा है जी, देख सकते हो तुम इन्होंने वो सामने मशीन लगी हुई जी, मशीन तो जानवरों का चारा कटते हैं। तो आखो जी कुकड़ वगैरह मझा वगैरह इन्होंने रखी हुई ने, तो हूँ तुम्हें चल के मैं इस घर का अंदर का मंजर विखाना। भाइयों को असं पूछा, तो हूँ जाके जी अंदर तुम माहौल विखाना, अंदर इन्होंने बर्तन वगैरह है जो भी चीज़ अंदर रखी हुई ने, पेटियां वगैरह वेखो जी, बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल वेखो जी, कानिया की छत पाई हुई है इन्होंने, तो बहुत ही जबरदस्त ठंडा अंदर बना है। ये सर्दियों गर्म होते हैं तो गर्मियों ठंडे होते हैं, कच्चे मकान जोड़े होंगे ने, बहुत ही जबरदस्त कमाल का घर बनाया है भाइयों ने। अच्छा जी घर चू असी निकले हैं जी, वीडियो वगैरह बना के, तो हूँ असी चले हैं जी। साढ़े नाल साढ़ा दोस्त ही राशिद, उनका एक स्टूडेंट है, उन्होंने उत्थे कच्चा डेरा वगैरह बनाया, तुहानू डेरा विखाने, बहुत ही जबरदस्त बनाया डेरा वो। असी पहुँच आए जी इस टाइम डेरे के, चलने तो अंदर लैके चलने डेरे का, थोड़ा जहा माहौल विखाने तुहानू। ये अंदर जी दरख्त लगा हुआ है वे अंब का, तो इनकी छां चेक करो बहुत ही गहरा, तो अंदर सब्जियां वगैरह उन्होंने लाई हुई ने डेरे के अंदर ही, ये बिल्कुल बंद पे, इतने कोई भी नहीं, चार पहियां रखी हुई ने, इतने दोस्त वगैरह बह के गपशप करते हैं, तो बहुत ही भी जबरदस्त निज़ाम बना, एवें निज़ाम जोड़े होंगे ने, एवें जोड़ा कल्चर होंगे बहुत ही घट वेखन लगता, कोई पुराना ही दरवाज़ा लाया इन्होंने, तो चार पहिया के बह के फिर गपशप कर मजा ही अलग है। तो असी उतों निकल पे, तो हूँ असं चलने जी बार्डर वेखन, तो आखो जी रेहड़िया तो जा रही है आवाम चारा वगैरह लैन मझा वास्ते, सामने मझा आ रही ने, तो इतों तकरीबन अद्धा किलोमीटर बार्डर दूर है, अद्धा किलोमीटर भी नहीं, अद्धा किलोमीटर दूर कम है, तो बाइक पर जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है।
हाँ जी असी हूँ लो जी तू बोल ये भी ब्लॉगर है मेरा दोस्त अपना ब्लॉग बना रहे थे असी बिल्कुल जी बॉर्डर के इख्ताम ते पहुँच गए हैं ते आ वल्लां वगैरह लगी हुई ने पता नहीं की बुलाया पे जी अंदर ते राजस्थान बीकानेर मोर्चा खड़ा ने कोई घर है दोस्त ने बुलाया सी आ रहा सानू बॉर्डर खांदा ते डिंगर शिंगर भरे कर दियो ब्लॉगर आ गए ने पंजाबी ब्लॉगर आ गए ने जवेद असलम पंजाबी ब्लॉगर ओनली ऑन ये डिजर्ट एरिया देख सकते हैं आप वो सामने आपको मैं दिखाता हूँ वो इंडिया की चौकी खड़ी है ऐ तुसी वेख सकते हो सारा डिजर्ट एरिया है ये पारली साइड से राजस्थान है इंडिया दे उत्थे भी इवें दा सारा डिजर्ट एरिया मतलब हर जगह ते रेत है पीले रंग वाली जो रेत होंदी है एवें दा सारा एरिया जिहड़ा हुंदा है चोलिस्तान वाली साइड ते भी एवें दी रेत होंदी है रोही वाली साइड ते सारे इलाका जिहनूं कहिंदे आपां ते राजस्थान विच इवें दे बहुत ज़्यादा टिब्बे हैं ते इह वेखो तुसी सारा टिब्बा हर पासे रेत रेत नज़र आ रही है वेखो तो सारा रेत है वे ते इंडिया की चौकी जड़ी ओ सामने इंडिया की चौकी उतार भी तो नज़र आ रही होगी मेरे मोबाइल की जूमिंग इन्नी ज़्यादा अच्छी नहीं उस सामने टैंकी वगैरह उस सामने जो पिंड है इनका नाम मैं इंशाल्लाह तुम्हें व्लॉग दसाँगा लिख के ला देंगे हूँ नाम तो मैं पता नहीं क्योंकि मेरा मैप नहीं चल रहा इंटरनेट का मसला होंगे इंटरनेट बार्डर से बिल्कुल इख्तिताम ते मैक्सिमम इतों तकरीबन किन्नी दूर होनी तार आपां नूं अंदाज़न अद्धा किलोमीटर होनी तकरीबन अद्धा किलोमीटर भी नहीं है वो सामने नज़र आ रही है बिल्कुल थोड़ी है वे ते बार्डर का दूसरा साडा व्लॉग है वे पहले मेरा व्लॉग सी सारे भरावां दी सपोर्ट नाल दुआवां नाल चल गया सी हाँ जी साढ़े नाल साढ़े दोस्त ने राशिद साहब तुहानू गाइड करनगे कि केड़ा पिंड ऐसा वे सामने जो पिंड नज़र आ रहा इंडिया का पिंड का नाम की थेड़ी पिंड है जी नहीं वो एक ना पंजाब भी अपने जी है ना थेड़ी नांगी नहीं नांगी नांगी है साइड पे जी बीकानेर है साइड पे है वे उन्होंने इधर ही आंदा राशिद मोर्चा भी खा दिना मैं लेकिन जा मैं अपनी जिम्मेदारी रहा क्योंकि बहुत पुराना मोर्चा है लड़का कह रहा सी ते वेखने की बुलाए विच सलाम अलैकुम भाई वाह मैं तकड़ा मोर्चा अक्सर डिम होंगे नूण जिन्हों कहने बहुत ज्यादा ये सप सुप होंगे इन्हें तो पता नहीं कुछ नहीं नजर आ रही दूसरी साइड तो वेख लेंगे घुट घुट खड़ी पता नहीं चूहे दी या सप दी आ भी खड़ी है जी आने मोर्चा इतू बह के देख सकते हैं और सामने इंडिया की ओपी नज़र आ रही है असी जी हम तुर पे हैं बॉर्डर वाली साइड पे ते चलने उत्थे जी एक चौकी हैगी पाकिस्तान की बनी हुई उत्थे जाके परमिशन लैने अगर परमिशन हुई तो मैं तुहानू चल के उत्थे विखाना सारा बार्डर राजस्थान इंडिया का बार्डर तो पाकिस्तान इंडिया की जिहड़ी जीरो लाइन है वे वो वाली सारी तो नाल ही बिल्कुल खेत बने हुए हैं उत्थे अपना किसान जिहड़ा है ने वो दिन दिहाड़े काम कर रहे होंगे ने तो चलो तुहानू चल के मैं विखाना सारा उत्थे दा निज़ाम जिहड़ा है अगर परमिशन मिलती है तो क्योंकि परमिशन अक्सर लैनी बहुत मुश्किल हो जाती है तो वेखने अगे चल के की होंगे फिर
यार भाई का पैर भी खराब है। व्लॉग तू तो बोलता नहीं पाया यार, तू साढ़े नाल नहीं आ वेख आ की चमड़ गए ये सुथन बेली की लै ने यार चिचड़े चमड़ गए ने मैनू इधर इतना कच्छा पा दे बंदा सिमरन तुम सिर्फ मेरे इधर तो वेख यार इधर इधर ठीक दुबई करेगिस्तान अगे जाने की सानू परमिशन नहीं मिली है जी कि हूँ असं जा रहे हैं वापस तो वापसी त्या तुम विखाना मैं साइड तो नज़र आ रहा है इन्हों तारा त्या चौकी वगैरह सारा बना हुआ निज़ाम ये बिल्कुल ही बॉर्डर है वे अगे चौकी के कैमरा वगैरह कुछ भी लॉ नहीं होंगे फोन उत्थे कढ़न भी नहीं देंगे बहुत सख्ती है इस वजह तो माजरत सारे ना। अच्छा जी हूँ मैं तुम्हें विखाना जी इतने एक बोर्ड लगा हों बॉर्डर के जिते जिते जरूर लाइन आँगी उनके नाल नाल हर जगह पर तकरीबन हर चौकी के नाल एक बोर्ड लगा हों जिते लिखा होंगे जी आखिरी हदूद पाकिस्तान की मतलब कि पाकिस्तान की जी आखिरी हदूद होंगी उस तो अगे बंदा नहीं जा सकता उस तो अगे फिर इंडिया की हदूद शुरू हो जाती है तो तुम मैं विखाना वो असी पहुँच आए जी इस बोर्ड को तुम वेख सकते हो उ लिखा हुआ आखिरी हदूद पाकिस्तान इस तो अगे पाकिस्तान की हदूद खत्म हो जाती है इन बैक साइड मैं तुम्हें विखाना इन बैक साइड पर वेखो पाकिस्तान का झंडा बनाया मतलब इतने पाकिस्तान की हदूद जी बिल्कुल खत्म हो गई है इस तो अगे इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। दोस्तों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया इन्होंने सानू घुमाया फिराया तो मिलने जी अगली वीडियो के उदों तक अल्लाह हाफिज़ सारे अपना ख्याल रखियो।